अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मनोसलवा। इसमें आज ही बना रही हूँ चिकन लॉलीपॉप। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो भी आराम से मिल सके। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जनाब, चिकन लॉलीपॉप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चिकन के विंग्स लिए हुए हैं। अच्छा, पहले मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूँ, मैंने विंग्स कौन से पार्ट लिया विंग्स का, ये वाला पार्ट लिया विंग्स का। पूरा कंप्लीट विंग्स नहीं लिए मैंने, ठीक है, इसमें भी ज़्यादा मीट होता है, वो वाला विंग्स का पार्ट लिया है। अब हमें करना क्या है, ऊपर के इसमें जो मीट लगा हुआ है इसको हमने इस हड्डी से अलग करना है। ये मैं दिखा देती हूँ आपको करके, कदम इस तरह से हमने ऊपर वाले मीट को अलग करके आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेते हुए आना है। सारे के सारे मीट को, जितना मीट भी ऊपर लगा हुआ है, इस सब हम इस तरह से करते हुए नीचे लेकर आएंगे। काट कर अलग नहीं करना है, सिर्फ ऊपर वाली हड्डी को हमने इस तरह से, देखें निकलना शुरू हो चुका है ये। इस तरह से सारे को करते हुए मैं नीचे लेकर आऊँगी और सारे के सारे मीट को नीचे इस तरह से हमने कर देना है। ये देखें, सारे का सारा मीट हमारा नीचे चला गया है और इस तरह से ये इस लॉलीपॉप के फॉर्म में हमारे पास आ चुका है, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। चलिए, हमने इसको मैरिनेट करना है। अच्छा, मैंने ये आधा किलो विंग्स लिए थे, इन सबको विंग्स को मैंने इस तरह सारे मीट को नीचे करके इस लॉलीपॉप बना लिए। अब मुझे इसको क्या करना है, पहले मैरिनेट करूँगी। मैरिनेट करने के लिए मेरे पास यहाँ पर 1 टेबल स्पून सोया सॉस रखा हुआ है, ये इसमें चला जाएगा और इसके साथ साथ 1 टेबल स्पून ही मेरे पास ये चिली सॉस है, ये चली जाएगी इसके अंदर, चिली सॉस आएगी सारी। अच्छा, मैं लेमन जूस यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो इस जगह पे सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं 1 टेबल स्पून लेमन जूस डाल रही हूँ और इसके साथ ही साथ इसमें चला जाएगा 1/2 टीस्पून सॉल्ट है। सॉल्ट आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, ज़्यादा कम कर सकते हैं, ठीक है। मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है ये डाल रही हूँ। और इसके साथ ही साथ ये मेरे पास जिंजर का पाउडर है, ठीक है, अदरक का पाउडर, ये है लहसुन का पाउडर और ये वाइट मिर्च। जिंजर का पाउडर जो मैंने लिया है ये मैंने लिया है 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर लिया है 1 टीस्पून और वाइट पेपर का पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून। ये सभी चला जाएगा। बस अब मैं इसको आपको अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी इसमें, और मिक्स करने के बाद कम अज़ कम 20 मिनट तक मैं इसको रख दूँगी मैरिनेट होने के लिए। उसके बाद फिर हम इसके पुडिंग तैयार करेंगे। चलिए, इसको मिक्स करके रख देती हूँ। चलिए जनाब, जब तक हमारे विंग्स जो है वो मैरिनेट हो रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम इसकी जो है कोडिंग तैयार कर लेते हैं। कोडिंग तैयार करने के लिए मेरे पास इस बॉल में 1/4 कप मैदा है, ठीक है। 1/4 कप मैदे के अंदर ये मेरे पास 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर है, ये सब डाल दूँगी मैं इसके अंदर। और इसके साथ ही साथ मेरे पास यहाँ 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है और ये मेरे पास मिक्स हर्ब है, 1 टीस्पून मिक्स हर्ब है। अच्छा, अगर आप चाहें तो मिक्स हर्ब की जगह ऑरिगैनो भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं मिक्स हर्ब डाल रही हूँ 1 टीस्पून। ये चला जाएगा इसके अंदर। और इसके साथ ही साथ ये मेरे पास 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर है, ये चला जाएगा। अच्छा, अब सब डालने के बाद अब मैं इसके अंदर ये 1 टेबल स्पून सफ़ेद तिल है इसे ऐड कर दूँगी। बस कुछ नहीं करना है, बस इसको हमने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छा, ये जो मिक्सर मैंने आपको बताया है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल मिक्सर है, या आप आराम से इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर फ्रीज कर सकते हैं। आप कोई भी एयरटाइट कंटेनर ले लें उसमें रख दीजिएगा, या फिर जो जिप लॉक शॉपर्स आते हैं उसके अंदर आप इसको अच्छी तरह से डाल के स्टोर कर सकते हैं, आराम से रहता है। बस ये कि सुखीला नहीं होना चाहिए और जो है पानी ना जाए बस के अंदर, क्योंकि जब इसे आप कोट करेंगे, कोट करने के बाद ये बच जाता है, तो भी इसको आप आराम से वापस रख सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई लम्स ना हो। लम्स होगा तो उसे निकाल के छान लीजिए, छान के निकाल के दोबारा फ्रीज कर दीजिएगा। और ये बहुत इजी होते हैं, बहुत मज़े की चीज़ें से बनती हैं इससे, और ज़रूरी नहीं है इसको आप अभी सिर्फ लॉलीपॉप में ही बनाएं, आप नॉर्मल भी जो है विंग्स वगैरह में कोट करके फ्राई कर सकते हैं, चिकन में आप पीस लेके उसको फ्राई कर सकते हैं, आलू में कर सकते हैं, डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ होती है। और ड्राई के साथ साथ इसको आप बैटर बना के भी यूज़ कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर आपको सर्की फ्राई करनी है तो आप इस मैदे को निकालें अपने ज़रूरत के मुताबिक और उसमें बैटर बनाएं और फ्राई कर लें। चलें, बस ये देखें, ये अच्छी तरह से बस मिक्स हो गया है। मिक्स करने के बाद हम इसको जो विंग्स हमने रखी थी उसमें अच्छी तरह से कोट कर लेंगे।
जनाब तमाम चीज़ें रेडी हो चुकी हैं हमारी, विंग्स हमारे वैनेट किए हुए रखे हुए, हमारी कोडिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं एक विंग्स को लूँगी और इस तरह से पहले इसके नीचे वाले साइड पर, ठीक है, इस नीचे वाले साइड पर मैं अच्छी तरह से इस मैदे को कोट करूँगी। बहुत अच्छी तरह से करना है हाथों से, बिल्कुल जो है मुकम्मल तौर पर दबा दबाए करना है इस तरह से हर जगह, ताकि मैदा जो है मुकम्मल तौर पर हर जगह पर मैदा लगाना है। मैदा लगाने के बाद इसको प्रॉपर इस तरह से शेप देनी है। एक्सेस जो है मैंने झाड़ के, अच्छा अभी इसको फ्राई फौरन नहीं करेंगे, अभी जो एक बार हमने कोट किया है, एक बार कोट करने के बाद मैं इसको अब इस तरह से यहाँ पर सारी विंग्स को कर करके रखती जाऊँगी। बस इसी तरह से 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने सिंगल पहले कोटिंग करके देखे रख दिए थे सारे। अब ये देख लें आप किस तरह से सारा मैदा इसका जो है गायब हो गया है, बिकॉज चिकन में जितनी भी नमी थी वो सब के साथ मैदे ने जब्स कर ली है। अब ये इस तरह से 10 मिनट के बाद इस तरह हो जाएंगे। अब हमने इसको दोबारा कोट करना है, सेम उसी तरीके से हम बारी बारी विंग्स उठाएँगे और अच्छी तरह से दोबारा से इस मैदे में कोट करेंगे। बहुत अच्छी तरह से कोट करना है। अच्छा अब जो ये हमारी चूँकि सेकंड और फाइनल कोडिंग है, तो अब मैं क्या करूँगी, इसे कोट करते साथ साथ इसकी जो शेप है लॉलीपॉप की, उसको भी हमने बनाते जाना है। इस तरह से हल्के हाथ से प्रेस करते जाएंगे ताकि जो उसकी शेप है वो बरकरार रहे, मीट जो है वो खुले नहीं जितना भी नीचे किया था। इस तरह से ये देखें, ये हमारे इस तरह से लॉलीपॉप जो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसको अब हम दोबारा से कोट कर करके रखते जाएंगे। अच्छा ये बहुत आराम से फ्रीज हो जाते हैं, अगर आप इन्हें चाहें ज़्यादा क्वांटिटी में ये लॉलीपॉप बनाकर सिंगल ईयर में पहले फ्रीज कर लीजिएगा, बारी बारी इस तरह सिंगल ईयर पर फ्रीज करके इसको किसी भी आप हीटेड बॉक्स में रख के फ्रीज कर सकते हैं, बहुत आराम से रहते हैं। और जब दिल चाहें आप इसको फिर निकाल के डीप फ्राई कर लें। बस देखें ये हमारे बिल्कुल सारे के सारे लॉलीपॉप इस तरह मैं करके रखती जाऊंगी और मैं इसको भी 10 मिनट के लिए रख दूंगी फ्रीज़र में ताकि सेट हो जाए। आपको पता है मैं जब भी इस तरह की चीज़ बनाती हूँ तो मैं उसको लाजमी कबाब कुछ हो तो 10 मिनट के लिए या 5-7 मिनट के लिए मैं उसको लाजमी रखती हूँ फ्रीज़र में ताकि वो फ्राई होते वक्त जो है आराम से फ्राई हो और सेट हो जाए। बस ये देखें ये भी दूसरा बन गया। अब मैं इस तरह सारे करके इसको 10 मिनट के लिए रख दूँगी फ्रीज़र में, फिर मैं इसके बाद इसको डीप फ्राई करूँगी ऑयल में। जनाब लॉलीपॉप अपने आपके सामने कोट करके रख दिए थे मैंने, अब इसको मुझे फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल डाला हुआ है, उसको गर्म कर लिया है। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता से इसके अंदर ये जो हमने लॉलीपॉप कोट करके रखे थे इसको रखते जाएंगे। देखिए तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही ठंडा होना चाहिए, बस ये वार्म तेल है अभी, इसे डालना शुरू कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता करके। इसको मैं दरमियानी आँच में फ्राई करूँगी क्योंकि तेज़ आँच में करूँगी तो मैदा पक जाएगा लेकिन चिकन जो है वो कच्ची रह जाएगी। बस इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके सारे के सारे, बस और नहीं डाल रही मैं, अभी 4 ही डाले मैंने ताकि आराम से फ्राई हो जाए। और जैसे ही फ्राई हो जाएंगे गोल्डन कलर में आ जाएगा, चिकन गल जाएगी तो मैं इसको निकाल लूँगी। चलिए जी चिकन लॉलीपॉप जो है वो रेडी हो चुके हैं हमारे, उसमें मैंने आपके सामने सर्व कर दिया है। ट्राई कीजिएगा, इसे बहुत मज़े के बनते हैं, क्योंकि आपको पसंद आएंगे। मुझे दुआ में रखिएगा नेक्स्ट तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।